हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको 13 नवंबर 2020 की नवीं कक्षा के गणित विषय की जो कार्यपत्रक है 55 नंबर की चतुर्भुज की, ये मैं आपको समझाऊंगी। इस कार्यपत्रक में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है मध्य बिंदु प्रमेय। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज में अगर हम दो भुजाएं लें, जैसे कि हमने ली एक ए बी और ली हमने ए सी, और इनके अगर हम मध्य बिंदु लें, जैसे कि ए बी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ, तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो भुजा होती है यानी कि ई एफ, वो हमारे त्रिभुज ए बी सी की तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। तो मतलब ई एफ जो है वो समांतर है किसके? बी सी के। और साथ साथ में वो क्या होती है? इस तीसरी भुजा की आधी भी होती है। अर्थात ई एफ का जो मान है वो क्या हो जाएगा? बी सी बटा 2 हो जाएगा। तो इस मध्य बिंदु प्रमेय पर बेस्ड यहाँ पर हमारे पास जो उदाहरण है और जो दो प्रश्न दिए हुए हैं, हम इन प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण जो सी है वो समकोण है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो है एक एबीसी त्रिभुज जो है ले लेते हैं, ठीक है। इस एबीसी त्रिभुज में हमारे पास ये जो सी कोण है ये कैसा है? समकोण है। तो हमने इसको नेम दे दिया है एबीसी। कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होकर, देखो कर्ण एबी है, इसका मध्य बिंदु ये हमने यहाँ पर ले लिया है एम, इससे होकर बीसी, ये इसका मध्य बिंदु है M और इसके होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, BC ये वाली आपके पास भुजा है, इस भुजा के समांतर आप ये वाली जो रेखा है खींच रहे हैं, और ये इस AC को क्या करती है? D पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ये दर्शाना है कि पहला पॉइंट क्या, कि D जो है ये D इस भुजा AC का क्या है? मध्य बिंदु है। तो इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। अब हमारे पास यहाँ पर ये दिया है कि जो M है वो क्या है? कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। अगर अब ये इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली भुजा का मान यानी कि MB का जो मान है, इस वाली भुजा यानी कि एम ए के मान के बराबर होगा, और ये जो मान है पूरा जो आपके पास भुजा है ए बी, इसका क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, हमने क्या किया है? बी सी के समांतर रेखा खींची है, और जो कहां पर प्रतिच्छेद करती है? डी पर, यानी कि एम डी। तो हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एम डी जो है वो बी सी भुजा के क्या है? समांतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारे पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपके पास ये तो मध्य बिंदु है और ये वाली भुजा क्या है? समांतर है। तो ये जो D है ये क्या होगा? तो ये जो मध्य बिंदु प्रमेय है हमारे पास, उसका अगर हम विलोम ले, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम ये कहेंगे कि D बिंदु भी क्या होगा? AC का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से आप ये कहेंगे कि जो D है वह AC का मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो भुजा है DC, इसका मान AD के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे DC बराबर है क्या? AD के। ये आपका दूसरा पॉइंट। अब चूंकि देखो, आपको यहाँ पर पहले भाग में दर्शाना था कि जो D है वो क्या है? भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर आप इसको दर्शा चुके हैं, पहला पॉइंट आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा भाग क्या दर्शाना है कि जो एम डी है वो क्या है? एम डी एसी भुजा पर लंब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण आपको 90 डिग्री दिखाना है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री दिखाना है। इनमें से कोई भी एक कोण आपके पास 90 डिग्री का आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम डी है वो आपकी भुजा एसी पर क्या है? लंब है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो दिया गया हमारे पास बिंदु है एम डी समांतर बी सी, इसका यहाँ पे प्रयोग करते हैं। चूंकि एम डी जो भुजा है वो बी सी भुजा के समांतर है, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरीके से ये आपके पास दोनों भुजाएं हैं, समांतर हैं, ठीक है। और जो ए सी है, हम इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, एक तिर्यक रेखा मानकर चलते हैं। ए सी एक तिर्यक रेखा है। अगर तिर्यक रेखा है तो ये इसे ऐसे काट रही है, तो यहाँ पर ये जो भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो भी अंतः कोण बनते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने
अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी कोण बन रहे हैं, कौन कौन से कोण, ये हमने माना था बीसी, ये हमने लिया एमडी, और तो आपके पास एक तो कोण बन रहा है बीसीडी और दूसरा कोण बन रहा है एमडीसी, इनका योग आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। अब चूंकि कोण सी तो हमें समकोण यानी कि 90 डिग्री का पहले से ही दिया हुआ है, तो हम कोण बीसीडी की जगह 90 डिग्री रखेंगे। तो आप कोण एमडीसी का मान यहां से ज्ञात करेंगे, तो कोण एमडीसी का मान हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री है, 90 डिग्री को हम दाई तरफ भेज देंगे तो 180 में से 90 गया तो 90, यानी कि ये वाला कोण हमारे पास कितना आ गया है 90 डिग्री। तो इट मींस कोण एमडीसी हमारे पास 90 डिग्री आ गया है, एमडीसी ये वाला कोण। तो ये वाला कोण भी ऑटोमेटिकली हमारे पास कोण एमडीए ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एम डी भुजा है इस एसी भुजा पर क्या है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाती है। तो ये आपका जो दूसरा भाग है यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा भाग सिद्ध होने के बाद आपके पास तीसरा पोर्शन है सी एम बराबर है एम ए के। तो बच्चों आपको सी एम का पोर्शन लेना है, तो सी एम का पोर्शन हमें कैसे मिलेगा, जब हम सी को एम से मिलाएंगे। तो हम यहाँ पर जो तीसरा भाग लिखते हैं उसमें यही मेंशन करेंगे क्या कि सी एम को मिलाइए। ठीक है, सी एम को मिलाया। अब अगर हम इसको मिला देते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज तो हमें ये मिल रहा है, कौन सा है ये त्रिभुज, सी एम डी। ठीक है, और दूसरा हमें ये वाला त्रिभुज मिल रहा है, ये कौन सा है, ए एम डी। इन दोनों का एक काम कीजिए, आप सर्वांग सम जो है वो सिद्ध कर दीजिए। तो जब हम इनको सर्वांग सम सिद्ध करने चलेंगे तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि आप यहाँ पे देखो ये जो एम डी भुजा है ये आपके इस वाले त्रिभुज में भी है और इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि एम डी जो है वो बराबर है किसके, एम डी के। लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उसके अलावा सी डी भुजा जो है वो ए डी भुजा के बराबर है, कैसे, ये हमने यहाँ पर अभी सिद्ध किया। ठीक है, तो आपने लिखा DC बराबर है AD, आप लिखिए समीकरण दो से, हमने ये यहाँ पर सिद्ध किया है। फिर तीसरी बात, हमने अभी अभी तो ये भी सिद्ध किया है कि ये वाले जो कोण है ये कितने डिग्री के हैं, 90-90 डिग्री के। तो कोण MDC बराबर है कोण MDA के, कोण MDC बराबर है कोण MDA के, 90 डिग्री का कोण। तो आपके पास दो भुजाएं आ गई हैं और एक कोण आ जाता है, तो एस ए एस से आप कहेंगे कि त्रिभुज सी एम डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए एम डी के। और जब ये सर्वांग सम होते हैं तो सी पी सी टी के अनुसार इनकी सारी भुजाएं और सारे कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसे यहाँ पर त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने एम डी भुजा ले ली, हमने सी डी भुजा ले ली, तीसरी भुजा कौन सी बची, एम सी यानी कि सी एम और ये एम ए, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सी एम का मान एम ए के बराबर है। परंतु एम ए तो हमने यहाँ पर समीकरण नंबर एक में देखा था, देखिए किसके बराबर है, ए बी बटा दो के। इसका मतलब सी एम और एम ए दोनों किसके बराबर है, ए बी बटा दो के। ये हमारा यहाँ पर तीसरा भाग है जो हमें सिद्ध करना था। ये देखिए सी एम बराबर है एम ए के और ये बराबर है आपका किसके, एक बटा दो ए बी। तो आपका तीसरा भाग भी यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो आपका प्रश्न एक कंप्लीट होता है। प्रश्न एक के बाद हम बात करते हैं प्रश्न दो की। प्रश्न दो, इसमें हमारे पास ए बी सी डी जो है वो एक आयत है। तो लीजिए आपने सबसे पहले ए बी सी डी जो है वो एक आयत बना दीजिए। ठीक है, ये आपका आयत है, तो इसमें ये ए ये बी और ये सी और ये डी, जिसमें पी क्यू आर और एस भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो देखो पी, पी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, तो ये लीजिए आपने यहाँ पर लिया पी। बी सी का मध्य बिंदु है क्यू, डी सी का मध्य बिंदु है आर और ए डी का मध्य बिंदु है एस। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, तो ये जो आप इन बिंदुओं को मिला देते हैं तो इन बिंदुओं को मिलाने पर आपके पास एक आकृति मिल जाती है, किसकी, चतुर्भुज की। और ये जो भी आपके पास चतुर्भुज है हमें ये सिद्ध करना है कि ये कैसा है,
समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर। तो अब हम इसको सिद्ध करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास विकर्ण है एसी और दूसरा विकर्ण देखो ए सी और दूसरा विकर्ण बी डी, इनको मिला देते हैं। ठीक है, एसी और बी डी को मिलाया, चलो मिला दो। ये आपने मिला दिया बी को डी से और ये हमने मिलाया यहाँ पे ए को सी से। ठीक है, ये आपका ए को सी से आपने मिला दिया है। तो अब आपके पास यहाँ पर हमारे पास दो विकर्ण हैं, तो हम एक काम करते हैं पहले ना विकर्ण एसी को ले लेते हैं। तो विकर्ण एसी की सहायता से तो क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो चलो सिर्फ विकर्ण एसी की बात कर रहे हैं ना, तो एक रफ डायग्राम जो है वो दोबारा से बनाकर देख लेते हैं। ये आपके पास ए बी सी डी जो है एक आयत है और इस आयत में आपने एसी विकर्ण जो है इसको ले रहे हो, सिर्फ इसको। अभी जब आप इसको ले रहे हो तो आप देखो यहाँ पे आपके पास एक तो एस बिंदु है और एक आर बिंदु है जिसमें आपने इन दोनों भुजाओं को मिलाया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपके पास त्रिभुज एसीडी है। ठीक है, त्रिभुज एसीडी में आप जानते हो क्या कि एस जो है वो किसका मध्य बिंदु है, एडी का। देखो एस एडी का, ठीक है, और आर किसका है, डीसी का। तो दो मध्य बिंदु हो गए और इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, एस आर। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो एस आर है वो तीसरी भुजा, तीसरी भुजा इस त्रिभुज की कौन सी है, ए सी। इस ए सी भुजा के क्या है, समांतर भी है और इस ए सी भुजा की आधी भी है, यानी कि एस आर जो है वो बराबर है ए सी बटा दो के। ये हमारे पास पहला बिंदु हो जाता है। ठीक है, अब आपने देखो इस त्रिभुज में ए सी डी, ये जो विकर्ण जब आप ले रहे थे आपने ए सी डी यानी कि ये वाला विकर्ण जो है वो लिया था, ये वाला त्रिभुज आपने लिया था। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी उसको ले लेते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है त्रिभुज ए बी डी में। तो इस त्रिभुज में हमारे पास कौन कौन से मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है पी और इसका मध्य बिंदु है क्यू। तो आप पी को क्यू से मिला रहे हो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो पी है वो तो ए बी का तथा क्यू किसका, बी सी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वही बात मध्य बिंदु प्रमेय इस्तेमाल करेंगे जी। मध्य बिंदु प्रमेय से इन दोनों को मिला दिया पी क्यू, तो पी क्यू इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ए सी, इस ए सी भुजा के समांतर भी है और इस ए सी भुजा का क्या है, आधा भी है। ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास दो समीकरण आ जाती है। अगर आप इन दोनों समीकरणों की तुलना करें समीकरण एक और दो से, तो आप देखते हैं कि एस आर भुजा ए सी के समांतर है और पी क्यू भुजा भी ए सी के समांतर है। ठीक है, एस आर समांतर है ए सी के और ए सी किसके समांतर है, पी क्यू के। तो हम ये कह सकते हैं कि एस आर जो है वो पी क्यू के क्या है, समांतर। भाई ये दोनों भी तो आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं एस आर जो है वो ए सी बटा दो है और ए सी बटा दो किसके बराबर है, पी क्यू के। तो हम कह सकते हैं कि एस आर जो है वो पी क्यू के बराबर भी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ पी क्यू और ये एस आर, इसको भी मिला दो जरा, तो ये आमने सामने की भुजा बन गई, बन गई ना। आमने सामने की भुजा जब समान होती है तो कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। तो अभी तक तो हमें ये पता चल रहा है कि पी क्यू आर एस जो है वो कैसा है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये हो जाता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की तो बराबर हो गई लेकिन अभी हमें चारों बराबर सिद्ध करनी है। तो जैसे हमने विकर्ण ए सी लिया था ना, अब हम क्या करते हैं विकर्ण बी डी लेते हैं, विकर्ण बी डी की सहायता से। तो आप जैसे यहाँ पर रफ डायग्राम बनाया था ऐसे एक बनाकर देखो, ऐसे आसानी हो जाती है रफ डायग्राम बनाने से, क्योंकि हमें फिर कंफ्यूजन नहीं होती कि क्या है क्या नहीं है, कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, अब बी डी जो है उसको आपने यहाँ पर विकर्ण लेना है, तो लीजिए बी से आपने डी को मिला दिया। अब आप देखो आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों में से कौन सा लोगे, कोई सा भी ले लो। चलो नीचे वाला ले लेते हैं त्रिभुज बी सी डी, कोई भी ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बी सी डी में देखो बी सी का मध्य बिंदु क्या होता है, क्यू,
और इसका मध्य बिंदु R, और ये इन दोनों को मिलाने वाली भुजा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो Q है वो तो BC का और R किसका, DC का, मध्य बिंदु है। और इसका अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब QR कहाँ से, मध्य बिंदु प्रमेय से। QR जो है, ये QR इस BD के क्या है, समांतर भी है और इस BD की आधी भी है। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट और ये हमारा चौथा पॉइंट। अब एक बात बताओ, हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि ABCD एक आयत है। ठीक है भाई, आयत है, आयत के तो चारों आमने सामने की भुजा होती है वो समान होती है, लेकिन आयत के जो विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी समान होते हैं। तो आयत के विकर्ण समान होते हैं। अगर समान होते हैं तो ये दोनों विकर्ण जो हम इतनी देर से यहाँ पर खेल खेल कर रहे हैं AC और BD का, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर AC बराबर BD हो गया तो ये जो QR है इसका मान कितना है, BD बटा दो। क्या मैं इसको AC बटा दो लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और अगर मैंने यहाँ पर इसको AC बटा दो लिख दिया तो AC बटा दो ये किस किस के बराबर है, SR और PQ के। इसका मतलब ये बराबर है SR के और ये है PQ के। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि QR बराबर है SR के और ये बराबर है PQ के। तीन भुजा बराबर हो गई ना, और तीन बराबर हो गई तो चौथी भी अपने आप बराबर होगी। तो अतः हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि जो PQRS है वो क्या है, यह एक समचतुर्भुज है, और यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है।